आवर ब्रेन्स आर वायर्ड फॉर स्टोरीज, हमारा दिमाग स्टोरीज को सुनने के लिए ही बना हुआ है। आप एक अच्छी स्टोरी बताते हैं तो हमारे दिमाग के मल्टीपल रीजंस, अलग अलग भाग एक साथ लाइट अप होते हैं एंड इसीलिए हमारी स्टोरी टेलिंग एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी को बढ़ाने में बहुत काम आती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट कि क्यों स्टोरी टेलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम साइंस पर्सपेक्टिव। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एंड दैट इज ट्रस्ट। जब आप एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाते हो, व्हेन यू टेल अ गुड स्टोरी, हमारे ब्रेन में रिलीज होता है एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन है जिसको कहते हैं ट्रस्ट हार्मोन आल्सो, बिकॉज ये हमारी ट्रस्ट, हमारी बॉन्डिंग को बेटर करता है एंड इसीलिए जब आप एक अच्छी स्टोरी बोलते हो तो आपकी ऑडियंस के साथ आपका ट्रस्ट, आपका रेपो बढ़ जाता है। तो अगर आप एक सेल्स पर्सन हो, अगर आप एक टीचर हो, अगर आप एक कोच हो, एक एंटरप्रेन्योर हो या फिर आप एक इंटरव्यूअर हो, इंटरव्यूई हो, व्हेन यू टेल गुड स्टोरीज इट इज गोइंग टू हेल्प इन योर ट्रस्ट फैक्टर। सो दिस इज व्हाई टेलिंग अ गुड स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन। आफ्टर ट्रस्ट देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड एम्पैथी। आई एम प्रीटी श्योर आपने सुना होगा सिंपैथी, बट आपको पता है एम्पैथी क्या होती है? कभी ऐसा हुआ है कि आपके दोस्त को या आपके किसी जानने वाले को कुछ प्रॉब्लम हो और आपको अंदर से बहुत दुख हुआ हो? दैट्स कॉल्ड एम्पैथी, नॉट सिंपैथी। एंड जब आप स्टोरी टेलिंग करते हैं देयर इज अ फिनोमेना कॉल्ड न्यूरो कपलिंग। अगर आपने भी कोई मूवी हो जिसमें आप एक्शन मूवी हो और आपने देखा हो तो आप भी अपनी सीट को ऐसे पकड़ के रखते हैं इवन दो आप नहीं मूव करें, दैट इज कॉल्ड न्यूरो कपलिंग। व्हेन यू टेल गुड स्टोरीज आप अपने ऑडियंस में एम्पैथी जनरेट कर सकते हो। इसको इंग्लिश में कहते हैं यू आर फॉस्टरिंग एम्पैथी। जब आप पर्सनल कहानी बताते हो, कुछ नैरेटिव बनाते हो, अपने चैलेंजेस बताते हो, कैसे आपने उसको ओवरकम किया है, दैट्स वेयर यू बिल्ड एम्पैथी। सो स्टोरीज आर अ ग्रेट टूल टू बिल्ड एम्पैथी विथ योर ऑडियंस। जो नेक्स्ट फैक्टर है जो जहाँ पे स्टोरी टेलिंग रियली शाइंस इज कॉल्ड पर्सुएशन। आप कोई डिसीजन कैसे लेते हो? मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी टेक डिसीजन बाय इमोशन एंड देन वी जस्टिफाई इट विद डेटा। एंड जो स्टोरी टेलिंग है, इफ यू फोकस ऑन इट, इफ यू क्राफ्ट इट, यू आर एक्चुअली हिटिंग बोथ साइड्स ऑफ आवर ब्रेन, व्हिच इज लॉजिकल साइड एज वेल एज द इमोशनल साइड। एंड दैट इज व्हाई स्टोरी टेलिंग इज अ फैंटास्टिक टूल फॉर परसुएडिंग समबडी। आप किसी को डेटा पे डेटा दिखा के फोर्स नहीं कर सकते हैं, आप किसी को जबरदस्ती पुश करके एक्शन नहीं दिलवा सकते हैं, कुछ डिसीजन नहीं करवा सकते हैं, बट व्हेन यू टेल अ परसुएसिव स्टोरी, व्हेन यू टेल अ कंपेलिंग स्टोरी, दे गेट इमोशनली इंटेंगल्ड विथ यू एंड दैट इज व्हाई इट हेल्प्स यू परसुएड पीपल बेटर। और चौथा रीजन स्टोरी टेलिंग साइंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज कॉल्ड मेमोरी एंड रिटेंशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको याद है आपने क्लास 3 में मैथ्स में क्या पढ़ा था, तो शायद आपको नहीं याद हो, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको आपकी कौन सी फेवरेट स्टोरी है बचपन की, तो देयर इज अ गुड चांस कि आपको कोई ना कोई स्टोरी जरूर याद होगी। एंड एग्जैक्टली यही होता है जब आप स्टोरी टेलिंग बोलते हैं। जब आप फैक्ट्स एंड फिगर्स सिर्फ बताते हैं तो लोगों को नहीं याद रहता है, बट इफ यू टेल फैक्ट्स एंड फिगर्स अलॉन्ग विद अ स्टोरी, अलॉन्ग विद अ नैरेटिव, कि उसमें कुछ कॉन्टेक्स्ट दे दिया, कुछ स्ट्रक्चर दे दिया, तो इट बिकम्स स्टिकी, इट बिकम्स easy to recall, easy to remember, and that is why whenever you have a presentation to give which involves a lot of data, see ki aap usme story kaise de sakte hain, perspective kaise de sakte hain, narrative kaise de sakte hain, because this will help you stick your message into your audience's mind. So jo char cheeze maine batayi aaj jo ki scientifically proven bhi hai is trust, empathy, persuasion and memory retention. Agar aap storytelling ko master kar lete hain, you can impact your audience in these four ways. So एक तरह से देखा जाए तो ये एक game changer है, especially if you have to present in front of people, especially when you have to deal with a lot of people, storytelling can be really really handy. Because ये सिर्फ आपके brain को नहीं, आपके emotion को, आपको decision, आपके decision making process को impact करता है, and इसीलिए you must learn storytelling. If you want to learn storytelling and if you want to join our Confident Storytelling Hub, then go to school.confidentstorytellinghub.com. We have a special offer going on for our YouTube audience and I'm going to see you in the next video. But until next time, as I say every time, keep learning, keep growing and keep going out of your comfort zone. This is Coach Haritosh Srivastava. I will see you in the next video.